हेलो स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर विल बी डिस्कसिंग सी सैट टू थाउजेंड नाइनटीन सोल्यूशन लेटर स्टार्ट अबाउट माई सेल्फ मेरा नाम है शाश्वत चोपड़ा एंड आई है सिक्योर्ड वन फिफ्टी मार्क्स इन सी सैट ट्वेंटी ट्वेंटी और हमने एक सी सैट का फुल फ्लेज कोर्स भी लॉन्च किया है आप इसे हमारी वेबसाइट द लर्निंग की डॉट को डॉट इन पर विजिट करके फाइंड आउट कर सकते हो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन रीड्स रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एस वन एंड एस टू एंड आंसर टू आइटम्स दैट फॉलो ठीक है ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस दैन द वेट ऑफ मोहन एंड रोहन ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस देन देट ऑफ मोहन और दैट ऑफ रोहन ठीक है सो वो मोहन और रोहन के वेट से, so, से कम है तो अब एक चीज आप देखिए अगर ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन मोहन और रोहन से कम है तो सोहन का वेट डेफिनेटली जो है वो मोहन और रोहन से कम होगा ओके okay, मोहन और रोहन दोनों से कम होगा क्यों क्योंकि सपोज इफ लेटेस्ट से कि जो सोह सोहन है उसका वेट अगर टू के है और मोहन का वेट एट के है और रोहन का वेट जो है वो सिक्स के जी है सो टू इंटू टू कितना होता है फोर होता है फोर अगर लेस देन ये है तो टू तो लेस देन हो ही गई उसका ट्वाइस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे तो टू टाइम्स अगर वेट ऑफ सोहन हो रहा है वो फोर आ रहा है तो सोहन का वेट हमेशा मोहन और रोहन से कम होगा फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको ये कंक्लूड करना पड़ेगा ठीक है कि सोहन का वेट हमेशा मोहन और रोहन से कम होगा फिर यहाँ लिखा है ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ मोहन एंड और दैट ऑफ सोहन तो अब मैं सेकंड करता हूँ सेकंड स्टेटमेंट में लिखा ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन तो मैं यहाँ रब कर लेता हूँ आपको फर्स्ट स्टेटमेंट आई होप क्लियरली समझ आ गया कि वेट ऑफ सोहन हमेशा कम होगा मोहन और रोहन से तो ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ सोहन तो ये ग्रेटर देन है वेट ऑफ मोहन एंड और दैट ऑफ सोहन इज एक ग्रेटर है राइट ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन तो अब यहाँ पे देखिए एक चीज अगर रोहन का वेट सपोज हम मान लेते हैं यहाँ पे टेन के जी है मोहन का वेट हम मान लेते हैं ट्वेल्व है और सोहन का हम मान लेते हैं फोर्टीन है टू इंटू टेन ट्वेंटी होगा वो ग्रेटर देन ट्वेल्व और फोर्टीन होगा बट जो रोहन का इंडिविजुअल वेट है वो क्या है टेन है वो क्या है वो लेस देन है 10 जो है जो वो देस दे ट्वेल्व से कम है और फोर्टीन से भी कम है इस केस में right. और राइट ट्वेल्व और फोर्टीन से कम है जो टेन है हो गया ठीक तो टेन इज लेस देन ट्वेल्व एंड फोर्टीन सो ये जरूरी नहीं है कि टू टाइम्स रोहन का वेट अगर मोहन और सोहन से ज़्यादा है तो रोहन का वेट हमेशा मोहन और सोहन से ज्यादा होगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इस करे वेट ऑफ मोहन इज ग्रेटेस्ट वेट ऑफ सोहन इज ग्रेटेस्ट वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटेस्ट हुज वेट इज ग्रेटेस्ट कैनॉट भी डिटरमाइन यहाँ डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि हमने सोहन का सबसे कम है ये तो निकाल लिया है बट मोहन और रोहन में से ज़्यादा किसका ये हम नहीं डिटरमाइन कर सकते तो हुज वेट ऑफ इज ग्रेटेस्ट कैनॉट भी डिटरमाइन और जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो है वीच ऑफ द इसमें लीस्ट किसका है तो लीस्ट हमने निकाल लिया है वो सोहन का है ठीक है मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ जो हमने ये वाली इक्वेशन ली थी कि सोहन का बेच सबसे कम है यहाँ पे हमने निकाला था और राइट सो सोहन का सबसे कम है तो इसमें ऑप्शन बी आ जाता है फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो अब यहाँ पे सीक्वेंस दिया है वन थर्टी टू वन ट्वेंटी नाइन वन ट्वेंटी फोर तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ वन थर्टी टू वन ट्वेंटी नाइन वन ट्वेंटी फोर वन वन सेवन वन हंड्रेड सिक्स नाइन्टी थ्री और एक्स ये हमें दिया हुआ और राइट सर जब आप इससे इसको माइनस करते हो ना तो आपके पास कितना आ जाता है थ्री आता है माइनस थ्री यहाँ से आ जाते हो तो माइनस फाइव आएगा यहाँ से यहाँ जाते हो माइनस सेवन आएगा यहाँ से यहाँ जाते हो आप तो माइनस ना आपके पास आता है सेकेंड ओके यहाँ आपके पास आता है माइनस इलेवन ठीक है और यहाँ से यहाँ जाते हो तो आपके पास आता है माइनस थर्टीन राइट आई होप ये क्लियर है तो अब हमें नेक्स्ट देखना है तो देखिए एक पैटर्न बन रहा है थ्री के बाद फाइव के बाद सेवन के बाद इलेवन के बाद थर्टीन तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा माइनस सेवनटीन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे माइनस सेवनटीन करना पड़ेगा तो आंसर सेवेंटी सिक्स हो जाएगा नाइन्टी में से जब आप सेवनटीन को माइनस करते हो फोर आ जाएगा ट्वेंटी फोर आएगा नॉट फोर तो सेवेंटी आंसर होगा और आई होप ये पैटर्न आपको दिख रहा है माइनस थ्री हुआ फिर माइनस फाइव हुआ फिर माइनस सेवन हुआ फिर माइनस इलेवन हुआ, हुआ ऐसा चल रहा है सबको है माइनस सेवेंटीन करना फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इफ़ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन आर इंक्रीज इंक्रीज बाय सेम पॉजिटिव क्वान्टिटी विच इज ग्रेटर देन जीरो सो एक पॉजिटिव क्वांटिटी से इंक्रीज कर देते हैं तो द फॉलोइंग इज द रिजल्टिंग फ्रैक्शन द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज उसका क्या रिजल्ट होगा ये हमें सो सपोज मैं एक फ्रैक्शन मान लेता हूँ वन बाय टू इससे ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है नी डोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन ये प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर नहीं इम्प्रॉपर वाले फ्रैक्शन कैसे होते हैं वन वन बाई टू ये नहीं बोला ये प्रॉपर बोला तो वन बाय टू जो है ये प्रॉपर होगा ठीक है इज इंक्रीज बाय सेम पॉजिटिव नंबर सेम है वन से इसे इंक्रीज कर देता हूँ ऊपर नीचे इंक्रीज तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में टू बाय थ्री सो वन बाय टू की वैल्यू कितनी होती है वन बाई टू की वैल्यू होती है मेरे पास में पॉइंट फाइव और टू बाय थ्री की वैल्यू कितनी होती है पॉइंट सिक्स 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 ये होती है ठीक है पॉइंट सिक्स 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 होती है ठीक है इसके बाद जब आप इसमें भी वन प्लस कर रहे हो सो मैं वन जो है एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ क्योंकि आपको ईजी पड़ेगा ये वैल्यूज आपको पता रहती है क्या होती है पॉइंट सेवन फाइव फिर जब मैं इसमें प्लस वन करूँगा तो ये आएगा फोर बाय फाइव ठीक है ये आएगा फोर बाय फाइव तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगा पॉइंट एट ओके फोर बाय फाइव की जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है ये होती है पॉइंट एट तो आप जैसे जैसे देख रहे हो जैसे जैसे हम ऐड कर रहे हैं वन नहीं आप टू भी ऐड कर सकते हो कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हो बस मैं पे एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये हमेशा बढ़ते जाती है और ये वन की तरफ जाएगी आप जैसे जैसे पॉइंट फाइव से पॉइंट सिक्स पॉइंट सेवन फाइव पॉइंट एट ऐसे आप बढ़ाते जाओगे ना तो आप वन के वन की तरफ पहुंचते जाओगे ओके यू विल बी टेंडिंग यू विल बी मूविंग टूवर्ड्स वन ठीक है सो इज ऑलवेज लेस देन ओरिजिनल फ्रैक्शन नहीं ऑलवेज ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रैक्शन ये होता है ठीक है जब आप पॉजिटिव वैल्यू ऐड करते हो और ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है ये या आपको याद रखना है काफ़ी काम आती है एग्जाम में तो यहाँ पे मैंने वन के थ्रू समझाया आप टू भी ले सकते हो और कोई फ्रैक्शन वन बाय टू नहीं लेना है आपको से आप जो है टू बाई फाइव इससे भी चालू कर सकते हो और ऐसे भी आप प्लस टू या प्लस थ्री ऊपर नीचे ऐड कर सकते हो केस तो में भी आप देख सकते हो तो भी सेम ही आता है और जो रिजल्ट है तो आपको ये याद रखना है कि क्योंकि आप जैसे, जैसे जैसे बढ़ाते हो ना वो वन की तरफ टेंड होता है जैसे टू बाई में भी अगर आप सपोज थ्री प्लस कर दोगे ऊपर नीचे तो ये आ जाएगा आपके पास में फाइव बाई एट तो आप चेक कर लेना मैं नहीं कर रहा हूँ इसकी वैल्यू तो पॉइंट फोर आ जाती है इसकी वैल्यू आप निकाल लेना ये पॉइंट फोर से बड़ी आएगी फाइव बाई एट की जो वैल्यू है वो पॉइंट फोर से बड़ी आती है करके देख लेते हैं फिफ्टी बाई एट सो फिफ्टी बाई एट इज़ नथिंग बट पॉइंट सिक्स समथिंग समथिंग आएगा पॉइंट सिक्स समथिंग समथिंग आता है तो ये देखिए वन की तरफ जा रही है ये इससे बड़ी होती है जब भी हम करते हैं ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है देन वॉट इज दी एक्स क्या वैल्यू क्या सीक्वेंस में तो मैं सीक्वेंस लिख लेता हूँ फोर सिक्सटीन थर्टी सिक्स सिक्सटी फोर ठीक है यहाँ पे एक्चुअली दो सीक्वेंस है वन नाइनटी सिक्स वन फोर्टी फोर और वन हंड्रेड और ये हमें एक्स फाइंड आउट करना है तो देखिए यहाँ पे क्या ये 2 है ये टू का स्क्वायर है ये फोर का स्क्वायर है ये सिक्स का स्क्वायर है, है, का square, है का square, 36, का और ये एट का स्क्वायर है फोर क्या होता है टू का स्क्वायर सिक्सटीन क्या होता है फोर का स्क्वायर थर्टी सिक्स सिक्स का स्क्वायर और ये एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर वन नाइन्टी सिक्स क्या होता है वन नाइन्टी सिक्स हमारे पास होता है सिक्सटीन का स्क्वायर ये है ट्वेल्व का स्क्वायर ये है टेन का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा एक्स जो क्या हो जाएगा ये एट का स्क्वायर हो जाएगा तो एट का स्क्वायर क्या है सिक्सटी फोर तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी सिक्सटी फोर सो आंसर वुड बी बी सिंपल है सिंपल पैटर्न था यहाँ पे दो अलग अलग है बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है फिर उसके बाद वो हो जाएगा आराम से अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सो इन अ ग्रुप फिफ्टीन पीपल ठीक है इन अ ग्रुप ऑफ फिफ्टीन पीपल तो मैं ऐसा एक ग्रुप बना लेता हूँ सपोज ये ग्रुप जो ये 15 people है ये फिफ्टीन पीपल का ग्रुप है राइट सो मैं थोड़ा सा इसे अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये जो ग्रुप है ये मैं बना रहा हूँ ये जो ग्रुप है ये फिफ्टीन पीपल्स और राइट सेवन कैन रीड फ्रेंच तो इसमें क्या है मैं ऐसा बना लेता हूँ रेड सर्कल बना लेता हूँ एक और ये फ्रेंच का है एट कैन रीड इंग्लिश तो अब मैं जो है यहाँ पे ग्रीन सर्कल बना लेता हूँ और ये इंग्लिश का है जो ग्रीन सर्कल है वाइल थ्री ऑफ देम कैन रीड नाइदर ऑफ दिस टू लैंग्वेज जो, जो थ्री हैं इन्हें जो मैं ब्लू से बाहर शेड कर रहा हूँ ये जो मैं ब्लू से रीजन शेड कर रहा हूँ ये लोग वो हैं जो दोनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते द नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज यानी कि जो एक लैंग्वेज या तो इंग्लिश या तो फ्रेंच सो so वो बेसिकली हमसे जो एरिया पूछ रहा है वो ये वाला पूछ रहा है या तो फ्रेंच ये जो मैं रेड से शेड कर रहा हूँ और या तो इंग्लिश ये वाला पूछ रहा है इंटरसेक्शन में जो लोग हैं क्योंकि वो क्या है कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज तो जो इंटरसेक्शन वाला एरिया है जो मैं येलो से शेड कर रहा हूँ ये वो वाला एरिया जहां पे लोग जो है एक से ज्यादा लैंग्वेज बोलते हैं और जो मैंने ब्लू से शेड किया हुआ है ये वो वाला एरिया जहां पे लोग एक भी लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं। और राइट right. so, अब हमें क्या है देखना है कि कितना होगा वैल्यू ये हम निकालते हैं तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है कि आप क्या करोगे पीपल हु कैन रीड फ्रेंच पीपल हु कैन रीड फ्रेंच तो मैं पी एफ से लिख देता हूँ प्लस पीपल हु कैन रीड इंग्लिश तो ये पीई -E हो गया पीपल हु कैन रीड इंग्लिश पीई हो गया ये ओके पीपल हु कैन रीड फ्रेंच प्लस पीपल हु कैनोट रीड फ्रेंच एंड कैनॉट रीड इंग्लिश तो मैं यहाँ क्रॉस लगा देता हूँ ताकि आपको समझ आए हु हुनॉट रीड फ्रेंच एंड कैनॉट रीड इंग्लिश ये हो गया माइनस करोगे आप माइनस पीपल हु कैन रीड बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश मैं इसका कलर ब्लैक कर लेता हूँ आपको और क्लियर दिखेगा पीपल हु कैन रीड बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश ये हो गया ठीक है क्योंकि ये जो ये जो एरिया है जिसे मैं अभी ब्लैक जो येलो एरिया है इसे आप क्या है डबल काउंट कर रहे हो क्योंकि जब आप पीपल हु कैन रीड फ्रेंच वाला एरिया ले रहे हो जब आप पीपल हु कैन रीड फ्रेंच वाला एरिया ले रहे हो तब तो भी आप ये येलो एरिया को इंक्लूड करोगे क्योंकि वो रेड सर्कल में भी आएगा और जब आप ये पीपल हु कैन रीड इंग्लिश वाले को ले रहे हो तब भी आप इस एरिया को इंक्लूड करोगे क्योंकि ये इसमें भी आएगा तो आपको इसे एक बार ना क्या है इस एरिया को अब मैं जो ब्लैक से शेड करने वाला हूँ ये एक बार आपको माइनस करना पड़ेगा ये जो है इस पूरे बॉक्स की वैल्यू होगी और ये पूरे बॉक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है ये पूरे बॉक्स की वैल्यू दी हुई है फिफ्टीन तो पंद्रह लोग ऐसे हैं जो इस पूरे ग्रुप में हैं तो यहाँ से मेरे पास पीपल हु कैन रीड फ्रेंच पीपल हु कैन रीड फ्रेंच की वैल्यू कितनी दी हुई है सेवन इंग्लिश की वैल्यू दी हुई है एट जो जो एक भी लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते उनकी वैल्यू यहाँ पे मुझे दी हुई है कितनी दी हुई है तीन दी हुई है थ्री ऑफ देम कैन नाइदर कैन रीड नाइदर ऑफ दिस टू लैंग्वेज थ्री जो तीन है वो एक भी नहीं कर सकते माइनस जो है पीपल हु कैन रीड फ्रेंच एंड इंग्लिश पी एफ एंड ई इस ये फिफ्टीन होगा ठीक है ये जो है ये फिफ्टीन होगा तो इस केस में मेरे पास पी एफ एंड ई की वैल्यू आ जाती है पी एफ एंड ई तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है थ्री तीन ऐसे लोग हैं जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ सकते हैं ठीक है तो अब मुझे क्या है वैसे लोग निकालने हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज एग्जैक्टली पढ़ सकते हैं तो इसमें से मुझे ये वाला जो एरिया है ये हटाना पड़ेगा तो रेड सर्कल में से भी मैं ब्लैक को माइनस करूंगा और रेड सर्कल में से भी मैं ब्लैक को माइनस करूंगा या आप येलो बोल लीजिए आप येलो को माइनस करोगे रेड सर्कल में से और जो है तो मैं इसे यहाँ पे रब कर लेता हूँ तो ज़्यादा इजीली समझ आएगा काफ़ी ज़्यादा कलर्स हो गए हैं तो एक बार मैंने रब कर लिया सो तो अब मैं एक बार वापस बनाता हूँ तो ये रेड सर्कल हो गया ऐसा और अच्छे से ही रब कर लेता हूँ पूरा यहाँ पे भी गिव मी से कें ये भी हम सो लेट मी ड्रॉ इट नाउ तो ये रेड सर्कल हो गया और ये जो है ये ग्रीन सर्कल हो गया ऐसा तो अब आपको क्या फ्रेंच निकालने के लिए ये जो ये जो रेड सर्कल है आपको सिर्फ इसका इतना एरिया लेना पड़ेगा ये वाला जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ और ग्रीन सर्कल के लिए भी आपको क्या है जो इंग्लिश बोलते हैं सिर्फ इतना एरिया लेना पड़ेगा और आपको ये बीच का एरिया छोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ वाले जो लोग हैं जो ब्लैक में है ये दोनों लैंग्वेज स्पीक करते हैं सो तो आपको एक लैंग्वेज के लिए चाहिए तो इस केस में हो जाएगा सेवन माइनस थ्री ठीक है सो पीपल हु कैन ओनली स्पीक फ्रेंच सो ओनली फ्रेंच वाले कितने हो जाएंगे ओनली फ्रेंच वाले हो जाएंगे सेवन माइनस थ्री क्योंकि तीन जो है वो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों बोलते हैं ओनली फ्रेंच हो गए ये एंड ओनली इंग्लिश वाले हो गए ओनली इंग्लिश ये हो जाएंगे एट माइनस थ्री तो ये फाइव हो जाएंगे और ये कितने हैं फोर ओनली फ्रेंच फोर और ओनली इंग्लिश फाइव सो टोटल कितने हो गए फाइव प्लस फोर नाइन आंसर वुड बी नाइन

फिर वो जो है नाइन 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 इतना करेगा फिर वन थाउजेंड करेगा फिर सो वन सो फोर्ट जाएगा तो वो नंबरिंग करता है थ्री जीरो एट नाइन डिजिट्स टोटल वो यूज़ कर रहा है थ्री जीरो एट नाइन डिजिट्स वो टोटल यूज कर रहा है राइट सो right, so देखो जब जब फर्स्ट पेज को वो नंबर कर रहा है वन को ओके okay, अगर वो वन को नंबर कर रहा है वन को तो कितने डिजिट्स यूज करेगा डिजिट्स जो वो यूज करेगा वो क्या है एक डिजिट यूज़ करेगा ओके okay, टू में भी कितने डिजिट्स होते हैं एक डिजिट बट जो टेन है टेन के केस में कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे टू डिजिट के केस में कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे थ्री डिजिट्स हैं इस नंबर में ये थ्री डिजिट नंबर है तो टोटल डिजिट जो वो यूज कर रहा है वो थ्री जीरो एट नाइन है और राइट सो आपके पास जो टोटल डिजिट्स हैं ना वो कितने है? वो हैं थ्री जीरो एट नाइन एक बार हम ये लिख लेते हैं अब देखिए जब वो, वो वन से नाइन तक की नंबरिंग कर रहा है वन से नाइन तक की वन से लेके नाइन के बीच में कितने डिजिट्स आते हैं वन से लेके नाइन के बीच में नाइन डिजिट्स आते हैं ये नाइन डिजिट्स आते हैं वन से लेके नाइन के बीच ठीक है नाइन डिजिट्स आते हैं और ये सारे सिंगल डिजिट नंबर है सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे ये हो जाएंगे सॉरी फॉर दिस ओके तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे हमारे पास में दिस माइनस नाइन दिस बिकम्स थ्री जीरो एट जीरो ठीक है इसको आपने यूज कर लिया यहाँ पे नाइन वैल्यूज थी जो सिंगल डिजिट थी तो टोटल आप नाइन डिजिट्स यूज़ कर लिए जब आप वन से लेके नाइन तक प्रिंट कर रहे हो तो फिर आप टेन से लेके कर नाइन तक सो so टेन से लेके कर नाइन यानी ये कितने हैं ये नाइन्टी वैल्यूज़ हैं या नाइन्टी डिजिट्स हैं और हर जो है वो टू डिजिट नंबर है सो टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने हो जाएंगे नाइन्टी इंटू टू सो वन एट्टी हो जाएगा ये वन एट्टी आप यूज कर रहे हो ये नाइन्टी वैल्यूज कैसे है? आई सी टेन माइनस नाइन्टी नाइन प्लस वन ए सॉरी नाइन्टी नाइन माइनस टेन प्लस वन तो दिस विल कम आउट टू बी नाइन्टी नाइन माइनस टेन प्लस वन दिस इज नाइन्टी और राइट आप काउंट भी करोगे टेन और इलेवन टेन से जब आप इलेवन जा रहे हो सो दो डिजिट हो रहे हैं ओके सो टेन से जब आप इलेवन जा रहे हो तो दो डिजिट हो रहे हैं सो इलेवन माइनस टेन प्लस वन इज टू होता है ठीक है इलेवन माइनस वन इलेवन माइनस टेन प्लस वन ये जो है ये टू होता है सो so सिमिलरली जो है नाइन्टी नाइन माइनस टेन प्लस वन तो नंबर ऑफ डिजिट्स हमें निकालना है तो ये हमारा हो जाएगा नाइन्टी केस में और राइट तो नाइन्टी जो है टोटल वैल्यूज़ हैं और हर जो है वो टू डिजिट नंबर है सो वन एटी तो पहले हमने नौ डिजिट ये वाले हटा दिए वन से लेके नाइन वाले अब हम जो है इसके हटा देते हैं तो so ये हो जाएगा थ्री ज़ीरो एट ज़ीरो दिस माइनस वन एटी तो दिस कम्स आउट टू बी टू नाइन डबल ज़ीरो और टू नाइन डबल जीरो मेरे पास में डिजिट्स बचे हुए हैं सिमिलरली इस केस में आपके पास यहाँ पे टोटल वैल्यूज कितनी है यहाँ पे जो टोटल वैल्यूज़ है ना आपके पास नाइन हंड्रेड है ये नाइन हंड्रेड वैल्यूज़ हैं हंड्रेड से लेके नाइन 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 तक नाइन हंड्रेड नंबर्स आते हैं और हर में आपने तीन डिजिट यूज़ किया अब यहाँ पे तीन डिजिट आपने यूज़ किया तो ये कितने हो जाएंगे इंटू थ्री तो ये सत्ताईस ट्वेंटी सेवन हंड्रेड हो जाएगा ट्वेंटी सेवन हंड्रेड ठीक है ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन हंड्रेड इसमें से आप वापस से क्या है आप ट्वेंटी सेवन हंड्रेड सब ट्रैक कर लोगे अपने आपने ये वाला हिस्सा भी ले लिया सो ट्वेंटी नाइन हंड्रेड माइनस ट्वेंटी सेवन हंड्रेड अब आपके पास कितने टू हंड्रेड डिजिट अभी बच रहे हैं अब क्या है आप फोर डिजिट नंबर्स पे आओगे क्योंकि हर वैल्यू जो है उसके पास चार डिजिट होगा जब आप वन थाउजेंड से नंबरिंग चालू करोगे तो so, अब हर के पास तो आपके पास टोटल तो डिजिट्स बचे कितने हैं टू हंड्रेड और अब वन थाउजेंड से आप चालू कर रहे हो तो हर नंबर में कितने डिजिट आएंगे चार सो टू हंड्रेड बाई फोर ये कितना हो जाता है फिफ्टी तो फिफ्टी वैल्यूज़ आप और इंसर्ट कर सकते हो अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या गलती करते हैं वन थाउजेंड प्लस फिफ्टी कर देते हैं तो आंसर वन ज़ीरो फाइव जीरो आ जाएगा तो ये ऑप्शन डी को करेक्ट कर देते हैं ये नहीं है ये गलत होगा क्यों क्योंकि आप वन थाउजेंड को भी इंक्लूड करोगे आप जो है वन थाउजेंड को इंक्लूड करोगे क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली कि आपको फिफ्टी वैल्यूज डालनी है स्टार्टिंग फ्रॉम वन तो वन जो है वो फर्स्ट वैल्यू होगी वन थाउजेंड वन जो है वो सेकेंड वैल्यू होगी और वन थाउजेंड फोर्टी नाइन जो है वो फिफ्टी वैल्यू होगी वन थाउजेंड फोर्टी नाइन होगा सो आंसर जो है यहाँ पे इस केस में सी हो जाएगा वन थाउजेंड फोर्टी नाइन आई होप क्लियर है ठीक है कि वन थाउजेंड को आपको फर्स्ट वैल्यू कंसिडर करना और ये डिजिट्स का कैसे हमने निकाला पहले नाइन को माइनस किया फिर वन को किया फिर ट्वेंटी सेवन हंड्रेड को किया नाइन को किया यहाँ पे ठीक है फिर वन एटी को किया फिर ट्वेंटी सेवन हंड्रेड को किया

देन द वेट ऑफ मदर ये पूछा है सो वेट ऑफ फादर जो है हमें वो दिया हुआ है सिक्सटी के दिया हुआ है वेट ऑफ फादर जो दिया ये सिक्सटी के दिया है इससे मेरे पास वेट ऑफ चाइल्ड कितना आ जाएगा वेट ऑफ चिल्ड्रेन मेरे पास आ जाता है सो लेट मी रब दिस सॉरी फॉर दिस वेट ऑफ चिल्ड्रेन प्लस सिक्सटी इज वन हंड्रेड फोर या आ जाएगा चिल्ड्रेन हमारे पास आ जाता है यहाँ से फोर्टी फोर जब आप यहाँ पे पुट करोगे चिल्ड्रेन को फोर्टी फोर प्लस एम टू हंड्रेड एम आपके पास में आ जाता है यहाँ से प्रिंटिंग right. e है ये फिफ्टी सिक्स होगा सो आंसर वुड बी डी फिफ्टी सिक्स ओके तो लेट मी री चेक इट फिर भी मैं री चेक कर लेता हूँ टी प्लस एफ जो है वेट ऑफ फादर इज सिक्सटी के जी दिया हुआ है तो ये आपके पास फोटी फोर आ जाएगा फोर्टी फोर को यहाँ पुट ऑन करोगे सिक्स आंसर डी हो जाएगा प्रिंटिंग एरर है आंसर फिफ्टी सिक्स होगा ये ओके फिर हम देखते हैं सपोज यू हैव सफिशियंट अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सपोज यू हैव सफिशेंट अमाउंट टू पे इन थ्री डिनोमिनेशन वन टेन एंड फिफ्टी और आपको वन हंड्रेड सेवन रुपीज पे करना है तो आप कितने तरीके से पे कर सकते हो सी फर्स्ट केस में क्या होगा कि आप जो है वन हंड्रेड सेवन को ना वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन ऐसा करते करते आप पूरे वन के कॉइन्स को यूज करो और वन हंड्रेड सेवन रुपीज पे करो एक तरीका ये हो सकता है फिर एक तरीका हो सकता है कि आप टेन रुपीज़ पे करो प्लस नाइन्टी सेवन रुपीज़ आप वन में पे करो फिर आप टेन प्लस टेन पे कर रहे हो और एटी सेवन जो है आप वो वन वन रुपी में पे कर रहे हो वैसे ही आप टेन प्लस टेन प्लस टेन पे कर रहे हो और यहाँ जो है सेवेंटी सेवन पे कर रहे हो ऐसे करके आप जा सकते हो सो ये अनदर वे हो सकता है सो मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ सो टेन और ये आ गया सिक्सटी ठीक है फिर फिफ्टी फिर आ गया आपके पास में फोर्टी सेवन फिर आ गया थर्टी सेवन फिर आ गया ट्वेंटी सेवन फिर आ गया सेवेंटीन और फिर आ गया सेवन ठीक है तो दिस वन टू ये कितने मेथड्स हो गए वन टू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो टोटल ये इलेवन वेज हो गए यहाँ पे आपके पास और ये वन वे ये था फिर नेक्स्ट केस आपका क्या हो जाएगा नेक्स्ट केस हो जाएगा फिफ्टी आप फिफ्टी यूज़ कर रहे हो प्लस सारे जो है वन के कोइंस यूज कर रहे हो यानी फिफ्टी सेवन ये हो गया ठीक है फिफ्टी प्लस फिफ्टी सेवन फिर हो जाएगा फिफ्टी प्लस टेन प्लस फोटी सेवन वन वन के आप कॉइन्स यूज कर रहे हो फिर आ जाएगा फिफ्टी प्लस वापस से यहाँ पे आ जाएगा थर्टी सेवन फिफ्टी प्लस ट्वेंटी सेवन बाकी जो है टेन टेन के आ जाएंगे बीच में जो है ठीक है ये टेन प्लस टेन हो जाएगा तो मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ टू सेव टाइम ये हो जाएगा सेवनटीन और ये हो जाएगा फिफ्टी प्लस सेवन ठीक है एक ये और एक लास्ट जो मेथड हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, हो जाएगा फिफ्टी प्लस फिफ्टी प्लस सेवन ये हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स ये हो होगा ठीक है और वन ये हो गया तो मी री चेक इट ठीक है सॉरी ये जो है इलेवन वाला नहीं होगा ये टेन तक ही होगा क्योंकि यहाँ पे जो है और ये जो है टेन हो जाएगा दिस वॉज माई बैड क्योंकि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ वो है वो कितना है वन हंड्रेड सेवन है तो आप टेन को कितना टेन टाइम्स ही यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो टेन मेथड्स ये है टेन होगा तो ये टोटल आपके पास हो जाएगा वन ये टेन ये वाले मेथड्स जब आप टेन एक एक मेथड तो है जब आप एक रुपये से सब कुछ पे कर रहे हो फिर आप टेन प्लस नाइन्टी सेवन फिर टेन प्लस टेन प्लस एटी सेवन फिर टेन प्लस टेन प्लस टेन प्लस सेवेंटी सेवन वैसे करते करते आप हो जाएगा लास्ट में आप पहुंच जाओगे टेन प्लस टेन प्लस टेन प्लस टेन प्लस सेवन लास्ट में सेवन वन प्लस टेन ये हो गया ठीक है फिर सिक्स मेथड्स ये वन प्लस टेन प्लस सिक्स सेवनटीन और प्लस वन एटीन सो टोटल नंबर ऑफ़ मेथड्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे वो एटीन हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ़ मेथड्स हो जाएंगे एटीन सो आंसर वुड बी सी ठीक है तो ये थोड़ा सा टफ है बट आपको क्या लिखोगे तो हो जाएगा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बस इसमें प्रॉब्लम ये है फिर कंसिडर टू स्टेटमेंट एस वन एंड एस टू फॉलोड बाई अ क्वेश्चन ए पी एंड क्यू बोथ आर प्राइम नंबर सो पी एंड क्यू कोई भी प्राइम नंबर हो सकते हैं सो so मैं यहाँ पे टू थ्री फाइव सेवन नाइन फाइव सेवन इलेवन तो कोई भी प्राइम नंबर मैंने बस ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन के लिए लिख दिया है टू थ्री फाइव सेवन इलेवन ऐसा पी प्लस क्यू इज एन ऑड इंटीजर सो पी प्लस क्यू जो है एक ऑड इंटीजर है तो देखिए ये सेकेंड स्टेटमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है देखिए अगर आप दो ऑर्ड नंबर्स को लेते हो सपोज वन प्लस थ्री तो आपको ईवन नंबर मिलता है दो ईवन नंबर को आप ऐड कर रहे हो टू प्लस सिक्स तो भी ईवन नंबर मिलता है तो पी प्लस क्यू ऑड इंटीजर कब आएगा या तो पी ईवन हो पी ईवन हो सपोज पी जो है वो फोर हो और q जो है वो ऑर्ड हो फाइव या तो p ऑड हो सपोज p सेवन है और q जो है वो टू हो या q जो है वो जो है सिक्स हो तब आपको ऑर्ड नंबर मिलेगा ये नाइन या ये थर्टीन इनका सम मैं ले रहा हूँ पी प्लस क्यू का पी प्लस क्यू का सम जो है वो तब ऑर्ड होगा जब दोनों में से एक ऑर्ड हो और दूसरा इवन हो ठीक है ये होगा तो पी क्यू पी इन टू क्यू इज एन ऑर्ड इंटीजर ये ये पूछ रहे पी इन टू क्यू इज एन ऑर्ड इंटीजर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है क्या होगा अब देखिए इसमें ना सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा कि ये जो है क्वेश्चन का आप आंसर दे दोगे क्योंकि अगर पी प्लस क्यू एक ऑर्ड इंटीजर है यानी पी

सिक्स तो यहाँ थर्टी आता है कोई भी दो नंबर जिसमें एक और एक ईवन है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ई आएगा फिर ये लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं ट्वेंटी नाइनटीन का यहाँ पूछा है कि कौन से ईयर का कैलेंडर सेम होगा एज ऑफ 2009 तो 2009 एक नॉन लीप ईयर था तो जब आप वहाँ से 2010 जाओगे तो प्लस वन होगा ये फिर आप 2011 जाओगे तो ये अगेन प्लस वन होगा फिर आप 2012 में जाओगे तो ये प्लस वन होगा क्योंकि ये 11 भी जो है वो नॉन लीप ईयर अब 12 जो है 2012 ये लीप ईयर है तो जब आप इससे टू थाउजेंड थर्टीन में जाओगे तो ये प्लस टू होगा फिर टू थाउजेंड फोर्टीन में जाओगे आप तो प्लस वन होगा टू थाउजेंड फिफ्टीन में प्लस वन होगा तो ऑड डेज कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन ऑड डेज हो गए तो सेवन ऑड डेज हो गए तो यानी टू थाउजेंड फिफ्टीन हो जाएगा सेवन ऑड डेज़ यानी कि वापस से जीरो हो जाता है सेवन डिवाइडेड बाई सेवन तो रिमाइंडर कितना आ रहा है जीरो कैलेंडर का कॉन्सेप्ट हमने देखा था जब सेवन ऑड डेज हो जाते हैं तो एक वीक हो जाता है इसलिए ये जीरो हो जाएगा क्योंकि सेवन ऑड डेज में क्या है कि जब सेवन आउट डेज हो जाते हैं तो वन वीक हो जाता है और वन वीक में कोई आउट डे बचता नहीं है तो पूरा वीक हो जाता है तो इसलिए ये जो है ज़ीरो हो जाएगा और टू थाउजेंड फिफ्टीन आंसर हो जाएगा आपको यहाँ सेवन बनाना था आई होप क्लियर है सिंपल था सो आई सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड वेरी थैंक यू फॉर दिस लेक्चर